मालूम है कि खासकर यूपी व बिहार के जो गरीब एवं बेरोजगार लोग अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली व महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर बस गए थे, तो ये लोग कोरोना काल में वहाँ की सरकारों की रही अनदेखी की वजह से ज्यादातर पलायन करके वापस अपने मूल प्रदेश यूपी व बिहार में आ गए थे। जबकि महाराष्ट्र में तो वहाँ शिवसेना, कांग्रेस व एनसीपी की मिली जुली सरकार चल रही थी, जिन्होंने ऐसे समय में भी इनके वहाँ ठहरने व खाने आदि की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की थी। और अब इन पार्टियों के लोग यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने वोट की खातिर किस्म किस्म की लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ उस समय ओबीसी की पार्टी ने भी यहाँ यूपी में आकर ऐसे आए हुए लोगों में से अपने खुद के मुस्लिम भाइयों की भी कोई मदद नहीं की थी, जो अब यहाँ आकर खासकर मुसलमानों का वोट लेने के लिए काफी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और इस मामले में जहाँ तक दिल्ली से यूपी के लोगों का जबरदस्त पलायन करने का सवाल है, जहाँ पर श्री केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, तो अब ये पार्टी भी यहाँ यूपी में आकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काफी लंबी चौड़ी बातें कर रही है। जबकि इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी यूपी से अपनी रोटी रोजी के लिए दिल्ली में जाकर बसे लोगों की यहाँ कोरोना काल में उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की बात तो बहुत दूर की रही, बल्कि इस पार्टी ने उनको यूपी में वापस भेजने तक की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब यही आम आदमी पार्टी यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए यहाँ के लोगों से उनका सहयोग व समर्थन आदि मांग रही है, जिसका यूपी के लोगों को अब इसी चुनाव में इनको यहाँ सबक सिखाना बहुत जरूरी है।